नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी हो गया है, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा को जीत मिली तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। वहीं बात पंजाब की करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही जहां एक तरफ पंजाब विधानसभा चुनाव के समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बिहारियों को लेकर एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे थे और प्रियंका गांधी वहीं खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, तो दूसरी तरफ परिणाम आने के बाद पंजाब की जनता ने कांग्रेस को ही सत्ता से हटा दिया है। इतना ही नहीं, सत्ता पलट करते हुए जनता ने मौका इस बार आम आदमी पार्टी को दिया। ऐसे में जहां बिहारियों को पंजाब में एंट्री नहीं देने जैसी बातें कही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार का लाल पंजाब में बड़ी कुर्सी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। बिहारियों को भगाने की मंशा पर पानी फेरते हुए यहां की पूरी कानून व्यवस्था की बागडोर अब एक बिहारी के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के गृह मंत्री के पद की जिम्मेदारी एक बिहारी चेहरे को दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। सब कुछ सही रहा तो बिहार के गोपालगंज जिले के लाल कुंवर विजय प्रताप सिंह को भगवत मान के सरकार में मंत्री पद पर बिठाया जा सकता है। विजय कुंवर बिहार के गोपालगंज के सिद्धवलिया प्रखंड के करस घाट गांव के रहने वाले हैं। अपने गांव से उनका गहरा लगाव है। हर साल त्योहार में वो अपने गांव जरूर आते हैं और बिहार से गहरे संबंध रखने वाले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विजय प्रताप सिंह ही पंजाब में आईजी रह चुके हैं। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने पद से वीआरएस लिया था, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के सिंबल पर अमृतसर के नॉर्थ सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया और वहां से सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जीत भी दर्ज की। जीत के बाद उनका पंजाब के गृह मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि वो पंजाब के गुरदासपुर, फिरोजपुर, लुधियाना सहित कई जगह पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में इनको पंजाब के बारे में अच्छी जानकारी है। आप नेता के छोटे भाई मुन्ना कुंवर ने कहा है कि पंजाब में आईजी रहते हुए उन्होंने जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ सेवा दी है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बिहार से निकले कुंवर विजय प्रताप सिंह की बात करें तो उन्हें पंजाब का तेज तर्रार ऑफिसर में से एक माना जाता है। पंजाब एसआईटी के लिए वो कई बड़े मामलों की जांच भी कर चुके हैं। वहीं चुनाव की बात करें तो ईमानदारी से काम करने का परिणाम ही रहा कि उन्हें बहुमत मिला है और जनता ने उन्हें विधायक के रूप में चुना है। इसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही वो गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।